बड़ी बहू, ए बड़ी बहू, जरा इधर आओ जल्दी। हाँ माँ जी, आई। क्या हुआ है माँ जी? देखो ना, बैंक से ये कौन सी चिट्ठी आई है, इसमें भला क्या लिखा है? हाँ माँ जी, मैं अभी पढ़कर देख रही हूँ। अरे चिट्ठी आई है, मैं जरा पढ़कर देखूँ तो कि क्या चिट्ठी आई है। हाँ मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ इस चिट्ठी को। अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पता नहीं वहाँ पर क्या लिखा है, तुम क्या पढ़ोगी, फिर क्या समझोगी, मुझे क्या बोलोगी। छोड़ो छोड़ो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम ये चिट्ठी बड़ी बहू को पढ़ने दो। क्यों माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको क्या लगता है, क्या मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती है? हाँ, या मुझे अंग्रेजी नहीं आती और पढ़ नहीं पाऊंगी मैं? कौन सा, मेरी बड़ी जेठानी जितनी दूर तक पढ़ाई लिखाई की है, मैंने भी तो उतनी ही दूर तक पढ़ाई लिखाई की है। हाँ तो फिर आप हमेशा हमेशा ऐसे क्यों बात करती है मेरे साथ, और ऐसा भला बोलती भी क्यों है, मुझे तो समझ नहीं आता। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, तुम मुझे गलत मत समझो, असल में बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात बुद्धि की है। देखो जैसे तुम घरेलू कामों में बहुत अच्छी हो, इसीलिए जब भी घर के काम से संबंधित कोई बात होती है मैं तुम्हें ही पुकारती हूँ, वैसे ही इन सब मामलों में बड़ी बहू का दिमाग ज्यादा तेज दौड़ता है, इसीलिए तो बैंक के कामों में चिट्ठी विट्ठी आने से मैं बड़ी बहू को बुलाती हूँ, समझी तुम? अरे छोटी, अपना दिल मत दुखा, ये तो एक चिट्ठी ही है, ये ले, ये चिट्ठी तू ही पढ़ ले, ठीक है? इसमें इतनी सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, तुम बहुत बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए बाबा तुम ही ये चिट्ठी रखो और पढ़ो, वरना मम्मी जी का मन शांत नहीं होगा, है ना? तुम ही पढ़ो ये चिट्ठी बाबा, क्योंकि चिट्ठी पढ़ने में तो बहुत बुद्धि की जरूरत होती है ना, इसीलिए मैं रसोई की ओर ही चलती हूँ। मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों कहा? आपने देखा ना कि छोटी को कितना कष्ट हुआ, छोटी कितनी बार बोल रही थी, आप उसे ही पढ़ने देती ये चिट्ठी, आप भी ना मम्मी जी। अरे भाई, अब मैंने कौन सा ऐसा सोच समझ कर बोला था, मैंने तो बस ऐसे ही बोला, अब वो बेकार में ही कष्ट पा रही है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ कि छोटी क्या कर रही है, ठीक है माँ जी? मुझे मुझे तो मालूम ही था कि इस घर में मेरा ना ही कोई आवश्यकता है और ना ही कोई मूल्य, बाहर के सारे सारे कामकाज बड़ी बहू के लिए है, और इस घर के सारे कामकाज सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। बताओ जरा, ये भी कोई बात है? क्या हुआ छोटी, तू तो इतना गुस्सा करके रसोई घर में आ गई? मुझे बता कि मुझे अभी अभी क्या काम करना है। नहीं नहीं, गुस्सा क्यों करूंगी मैं भला, और मैं भला आपको बोलूं भी क्या, आप इस खानदान की बड़ी बहू हैं, आप ही बताएं मुझे कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा काम नहीं करना चाहिए, दया करके मुझे बताएं। अरे छोटी, तू तो बात बात में इतना गुस्सा क्यों करती है, मम्मी जी ने इतना सोच समझकर कुछ भी नहीं कहा है। खैर जो भी हो, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए बाजार से बहुत सारे संतरे लाए हैं। तूने कहा था ना कि कल तू कोई खाना बनाने वाली है संतरे से, वो जो शहर के लोग बनाते हैं। हाँ, संतरे का पुडिंग बनाऊंगी कहा था, कल टीवी पे ऑरेंज पुडिंग का रेसिपी दिखा रहे थे, मैंने इसलिए सोचा कि मैं भी वो बनाऊंगी। तू जो खाना पकाती है ना, वाह वाह, चल चल मुझसे और रहा नहीं जा रहा है, चल जल्दी चल, हम दोनों जल्दी जल्दी खाना पका के सब निपटा लेते हैं, क्या बोलती है? फिर तू आराम से पुडिंग बनाना। यह बोलकर दो बहुएं मिलकर जल्दी जल्दी खाना पकाना शुरू करते हैं।
इस परिवार में सब बहुत अच्छे हैं, परंतु बड़ी बहू की बुद्धि थोड़ी सबसे ज्यादा है, इसलिए बड़ी बहू को परिवार की हर दायित्वशील कामकाज सौंपी जाती है और वो अच्छे से संभालती भी है। बड़ी बहू के सलाह लेकर ही कोई भी कामकाज होता आ रहा है आज तक, और यही कारण था छोटी बहू का गुस्सा होने का। इसी तरह दिन बीत जाते रहते हैं। सुनो ना बड़ी बहू, असल में परसों हमारे पड़ोसन मतलब तुम्हारी वो मीनू आंटी है ना, उनके घर में भूमापक आएगा जमीन मापने। मुझे पता है कि हमारी जमीन बिल्कुल ठीक ठाक से घिरी है, लेकिन फिर भी हमेशा सावधान रहना अच्छी बात है ना, इसीलिए तुम उस दिन बाहर की तरफ कड़ी निगरानी रखना, ठीक है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है माँ जी, आप थोड़ा सा भी मत चिंता कीजिए, मैं हूँ ना। क्यों माँ जी, क्यों, मैं क्यों करने जाऊंगी? दीदी है ना, उनको बोलिए पकाने के लिए और फिर ले जाने के लिए भी। वैसे भी दीदी को बाहर के सब कामकाज अच्छे से आते हैं और ये भी तो बाहर का ही काम है, इसलिए दीदी बहुत अच्छा कर पाएगी। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम छोटी बहू? मुझे तो समझ में नहीं आता है, तुम्हें कभी भी कुछ भी बोल दो तो तुम इतने गंदे तरीके से व्यवहार क्यों करती हो? इस तरीके की बातें क्यों करती हो तुम? ऐसी अशांति क्यों करती हो तुम? नहीं नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल भी अशांति नहीं करती हूँ। आप हमेशा हमेशा दीदी को ही भाव देते हो, सारा जरूरी काम उनसे ही करवाते रहते हो। मेरा क्या कोई भाव नहीं है इस परिवार में? मुझे तो कोई पूछता तक भी नहीं है। मैं चाहे कितना भी काम करूं, कितना भी अच्छा काम करूं, मुझे कोई ना चाहता है और ना ही पूछता है। मुझे आज तक मेरे मेहनत के लिए किसी से भी कुछ अच्छा नहीं सुना, कुछ भी नहीं। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस परिवार में, है ना? आप ही बताइए। छोटी बहू, तुम कितनी बड़ी गवार हो ये तो तुम्हारे इस गुस्सैल और घटिया व्यवहार से ही पता चलता है, और वो सिर्फ मुझे नहीं सबको पता चलता है। इतना अभिमान तुम्हें किस बात का है? अभिमान? अभिमान तो होगा ही माँ जी, सबको अभिमान होता है। आपने आज तक मुझे एक मौका तक नहीं दिया खुद को साबित करने के लिए। आज तक नहीं माँ जी, उसके पहले ही आपने दीदी को योग्य साबित कर दिया है सब चीज के लिए, है कि नहीं? आप ही बताइए। ठीक है, तो फिर आज ही मैं तुम दोनों का एक इम्तिहान लेती हूँ, उससे ही सब कुछ साबित हो जाएगा। छोटी बहू, बड़ी बहू, तुम दोनों अभी घर के बाहर जाओ, देखना कि हमारे घर के पास में ही एक खाली मैदान है जहाँ पर एक कुतिया ने बहुत सारे बच्चे दिए हैं। तुम दोनों वहाँ जाओ। परंतु वहाँ जाकर क्या ही होगा भला? जो बोल रही हूँ वो कर लो, जाओ अभी बाहर जाओ। क्या क्या हुआ, देख के तो आए हो ना तुम लोग? हाँ, देख तो लिया माँ जी, परंतु फिर अब क्या करना है हम दोनों को भला? हाँ? अच्छा, तो अगर देखा है तो इतना तो पता ही होगा कि वहाँ पर कितने कुत्ते के बच्चे थे। क्या छोटी बहू बोल पाओगी कितने बच्चे थे वहाँ? हाँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया माँ जी, कितने बच्चे थे से मतलब मैंने तो कोई गिनती नहीं की है। ठीक है, तो फिर बड़ी बहू तुम बताओ जरा कितने बच्चे थे वहाँ पर कुत्ते के? माँ जी, 5 बच्चे थे पूरे। ठीक, एकदम ठीक। अच्छा छोटी बहू, तुमने तो कहा कि तुमने गिना नहीं,
लेकिन इतना तो देखा होगा कि कुत्तों के बच्चों के रंग क्या क्या थे। मेरा मतलब बड़ी बहू को भी पता होना चाहिए। हाँ, रंग दो दो लाल रंग के थे और शायद एक काला रंग का भी था। हाँ हाँ, लेकिन छोटी बहू तुमने तो अभी तीन बच्चों के ही रंग बोले बस, लेकिन वहाँ पर तो पांच बच्चे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बहू अब तुम्हारी बारी, तुम बोलो तो जरा क्या क्या रंग थे बच्चों के। मम्मी जी, दो सफेद रंग का है, एक काला और सफेद रंग का मिश्रण है और एक लाल एवं काला रंग का मिला हुआ है। ठीक, फिर से ठीक। ठीक है, अगर इतने देर से तुम लोगों ने उन कुत्तों के बच्चों को देखा है तो इतना तो तुम लोगों ने ख्याल किया ही होगा कि कौन सा कुत्ते का बच्चा सबसे दुष्ट है। बोलो तो छोटी बहू, गिना नहीं, रंग नहीं देखा, लेकिन इतना तो तुमने देखा ही होगा कि कौन सा बच्चा ज्यादा शैतान था। हाँ माँ जी, ये भला कैसे संभव है, वहाँ पे तो सब सब सो रहे थे। अच्छा बड़ी बहू, अब तुम बोलो जरा कि कौन सा सबसे नटखट बच्चा था। मुझे लगता है कि लाल और सफेद रंग का मिश्रण वाला बच्चा, माँ जी वो सबसे नटखट था। उसका पूरा शरीर धूल में से लिपटा हुआ था और उसके पाँव में भी बहुत सारे कीचड़ लगे हुए थे। फिर से सही जवाब दिया बड़ी बहू ने, और ये बात तो मुझे भी पता है कि वो लाल और सफेद मिश्रण वाला बच्चा सबसे दुष्ट है। पता है, कभी कभी मैं जब आंगन में काम करती हूँ तो वो हमारे घर में भी घुस जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कि कब चुपके से निकल जाता है। बड़ा ही नटखट बच्चा है। हाँ हाँ माँ जी, उसके शरीर में जो कीचड़ लगे हुए थे ना, उससे ही मुझे पता चल गया था कि वो सबसे नटखट है। तो छोटी बहू, अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं बाहर के कामों के लिए हमेशा बड़ी बहू को ही क्यों चुनती हूँ। बड़ी बहू तुमसे ज्यादा बुद्धिमती है, वो इन सब बाहर के मामलों में ज्यादा बुद्धिमती है। लेकिन देखो, तुम भी तो घर के कामों में तुम भी बहुत बुद्धिमती हो। तुम सारे घर के काम कितने अच्छे से संभालती हो, खाना भी अति उत्तम बनाती हो, इसीलिए ही तो मैं तुमको हमेशा अंदर के काम संभालने देती हूँ। समझ में आया तुम्हें? इन बातों को लेकर अशांति मत किया करो। इन छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे हिंसा करने की क्या जरूरत है? जिंदगी तो एक हंसी खुशी से रहने वाली चीज है, ये संघर्ष थोड़े ही ना है। हाँ मम्मी जी, अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ, मेरी ही गलती है क्योंकि हमेशा बिना कारण ही मैंने गुस्सा और अशांति की है। हमेशा ही इन्होंने मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात की है, हमेशा से ही। हर भला इससे बड़ा बुद्धिमान होने का परिचय और क्या ही हो सकता है ना? छोटी बहू अपनी गलती समझ जाती है और अपने आप को सुधार भी लेती है और परिवार के सभी हंसते खेलते हुए अपना दिन बिताते हैं।